नहीं, डोली को आप देखें उसको बगैर मेकअप के जाके देखें, आपको डर लगने लग जाएगा, प्योर आंटी है, जिनके बच्चे डर जाए उनसे। हाँ, जिनके बच्चे भी डर जाए उसके बाद माशरे में उसको देख लें। सिर्फ मसला क्या है, वही पैसे को सलामी आ गई है। अब हम क्या देख रहे हैं, टिकटॉक खोलते हैं, कचरा इकट्ठा करने वाला बंदा भी टिकटॉक खोलता है, और ये जो कहते हैं हमारा स्टेटस है, हम इज्जतदार है, हमारे ऊपर तोहमत लग गई, ये नाच रही है, अपनी कमर दिखा रही है, अपने जिस्म को फाशी तौर से दिखाया जा रहा है, सेक्स फैला रही है। हाँ, सेक्स फैला, इसी तरह सेक्स फैला रहे हैं ना, इनके वाले दिन देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इनकी कमाई आ रही है। कमाई क्या आ रही है भाई, मुजरे की वेलें मिल रही है इनको, एक सूरत में सब्सक्राइबर की सूरत में या इनको फॉलोअर की सूरत में, लाइक की सूरत में। टिकटॉक के ऊपर भी आ ही गया है वो डकी भाई, जो कि हम उसे कहते हैं टट्टी भाई, ये कंजर खाना जो उनसा है, ये मुझे लग रहा है ताकि कयामत तक रहेगा और इसी तरह चलता रहेगा। कंजर खाना नहीं, मुझे लगता है खत्म हो सकता है, और इसके ऊपर एक दाम यही है कि वो खुद ही समझे ना, कोई हुकूमत कोई कंजर खाना खत्म कर सकती है, ये जो है ही कंजर ना, तो वो नहीं ठीक हो सकते। मैं हूं दिमैंगो, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूं जो करते नहीं हो। हर किसी का मिशन है टिकटॉकर बनना, इस रेस में सभी शामिल है, बाबे, बच्चियां, आंटियां, लड़के सभी। टिकटॉकर बन के इन्हों की मिल जाना, या तो ना इन्हों बहरिया टोन तो कोई प्लाट मिल जाना, या कोई इन्हों मंथली इनकम आ जानी, या इनका बहुत बड़ा नाम हो जाना, कुछ भी नहीं होना। ये बस भूखी शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, ना किसी को घर चलाने की फिक्र है, ना अपनी पढ़ाई की फिक्र है, ना फ्यूचर की फिक्र है, बस एक ही मिशन है टिकटॉकर बनना। टिकटॉकर जो एक बहुत बड़ा कंजरों का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें कंजरखाना लगा होता है, बच्चियां भी डुम्पा डुम्पा डिस्का डिस्का वाला डांस करती हैं, सेक्स फैलाया हुआ उन्होंने, लड़के भी गंदे वाह याद डांस करते हैं। तो लोगों से बात करते हैं वो इस टिकटॉकर के बारे में क्या कहते हैं। हर किसी का मिशन है टिकटॉकर बनना, हर किसी ने टिकटॉकर बनना, जैसे उसको कोई राशन आना या पैसे आने हैं। बच्चियां, बाबे, आंटियां, हर उम्र के लोग टिकटॉकर बनना चाहते हैं, तो क्या कहोगे आप इस बारे में? हाँ, बस यही कहना चाहेंगे कि जो वालदैन है माशाल्लाह से, कभी ये कह रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, उनको सोशल मीडिया पे सोशल बनाएंगे। असल में सोशल बनने का जो ट्रेंड बना हुआ है ना, ये बिल्कुल सोशल का ये नहीं मतलब कि आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाएं, नेगेटिव हो जाएं, बुराई को आप सपोर्ट करें, मतलब ये पॉजिटिव वे भी आप सोशल हो सकते हैं। सोशलिटी ये नहीं है कि आप जाएं किसी की दिल आजारी करें, किसी के ऊपर आप जाकर गलत तोहमत लगा देते हैं, तोहमत भी हो रहा है, तोहमत का कितना बड़ा गुनाह है। टिकटॉकर को देख लें, अब बड़े बड़े टिकटॉक कर रहे हैं, इसमें मैं दो चार का नाम भी ले लूंगा, वैसे मेंशन करना अच्छा नहीं होता, ये सिर्फ मिस्टर रैपर है, उसके बाद वो है, वो तो बहुत बड़ा खड़पैंच है, वो खड़पैंच है, उसको देखो जो बच्ची आ रही है, न्यू बच्ची को घुमा घुमाई जा रहा है, अपने साथ घुमा के चक्कर लगा रहा है, बोर्डिक्स बोर्ड तो नहीं करता, नहीं बस ये भी हो सकता है। लेकिन बात मिनाइल मलिक को देख लें, डोली को देख लें, ये वो लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो माशरे को बनाने में बड़ा उनका किरदार होता है, वो जाके पॉजिटिव रोल अदा करते हैं, वो अमर हो जाते हैं, उनको याद रख लेते हैं। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने आके फाशी को इन्होंने क्या किया है, नीलाम किया है, इन्होंने बड़ा उसको क्या किया है, फाशी को परवान चढ़ाया है। डोली जी की टैलेंट है की है? नहीं, डोली को आप देखें उसको बगैर मेकअप के जाके देखें, आपको डर लगने लग जाएगा, प्योर आंटी है, जिनके बच्चे डर जाए उनसे, जिनके बच्चे भी डर जाए उसके बाद माशरे में उसको देख लें। सिर्फ मसला क्या है, वही पैसे को सलामी आ गई है, जहां भी चले जाए स्टेटस को देखा जाता है, और इसी को ये पैसे क्या आ रहे हैं, क्या हो रहा है। पुराने जमानों में हम यही सुनते थे कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो कनीजे गरीब होते थे वो कनीजे बनाई जाती थी, वो मुजरे होते थे, कोठे बने होते थे। अब हम क्या देख रहे हैं, टिकटॉक खोलते हैं, कचरा इकट्ठा करने वाला बंदा भी टिकटॉक खोलता है, और ये जो कहते हैं हमारा स्टेटस है, हम इज्जतदार है, हमारे ऊपर तोहमत लग गई, ये नाच रही है, अपनी कमर दिखा रही है, अपने जिस्म को फाशी तौर से दिखाया जा रहा है, सेक्स फैला रही है। हां, सेक्स फैला, इसी तरह सेक्स फैला रहे हैं ना, इनके वाले दिन देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इनकी कमाई आ रही है। कमाई क्या आ रही है भाई, मुजरे की वेलें मिल रही है इनको, एक सूरत में सब्सक्राइबर की सूरत में या इनको फॉलोअर की सूरत में, लाइक की सूरत में। अब इनके लाइव होते हैं मुकाबले, आजकल कंपटीशन का सिस्टम चला हुआ है, कंपटीशन हो रहा है, सर मेरा इसके साथ कंपटीशन है, मेरा उसके साथ है, डायमंड मारो जी, फ्लावर मारो, उधर भी फाशी बातें हो रही है, और वहां हमारे उसी एमबी करके आप देख लें, चने बेचने वालों को देख लें, उसके बाद गधा रेडी वाले को देख लें, रिक्शे रेडी वाले को देख लें, वो बैठा होता है ऐसे फ्री होकर, कहता है फ्रेश हो लो, टिकटॉक खोलता है और इनको देख लेता है, ये अपने क्या घुमा रही है, कैसे दिखा रही है, क्या कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, अपनी फैमिली कुछ बगैर तो ऐसे बने हुए हैं, बहनों के साथ खड़े होकर उनकी डांस की वीडियो प्रमोट करवा रहे हैं, घर में बैठ के अपनी फैमिली के व्लॉग दिखाए जा रहे हैं, अपनी फैमिली की ये वीडियो दिखा रहे हैं टिकटॉक करके, हमारे ये हो रहा है वो, मसला क्या है, सारा स्टेटस का चक्कर है। तो इनको ना घर चलाने की टेंशन होती है, ना पढ़ाई की टेंशन है, ना फ्यूचर की टेंशन है, बस इसी नशे में मदहोश है कि टिकटॉकर ही बनना है। इन्हें की हो गया, केड़े रस्ते जा रहे हैं, चुके हुए सोचते मुंह वाले। सर आपने पहली बात ये की है घर वाली, देखें जिसका घर होता है ना या जिसने घर चलाना होता है वो ये हरकत करता नहीं है, इनका घर तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि जिसको भी देख ले ये होटलों में गुजारा करते हैं, होटलों वाले इनके निजाम होते हैं, जहां भी जा रहे हैं आप देखें, किसी भी टिकट अगर देख रहे हैं एक हफ्ता वो अपने एरिया में नहीं टिकेगा, कभी जापान जा रहा है, कभी फ्रांस जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर, कभी दुबई जा रहा है, ये कैसे जा रहे हैं, इनके पास इतने पैसे हैं,
कुछ भी नहीं है, ये सारा जो है ना भवाल है, वही बंद कमरों वाले के चक्कर चले हुए हैं यहाँ पर, किसी को कुछ पता नहीं है। डुम्पा डुम्पा डिस्काउंट इसका नमक बुदम, नमक बुदम जला हुआ सर, नमक बुदम प्योर लगा हुआ ये वाला। और चार पांच लोग ऐसे हैं जो ऐसे लालच दे दे के ना कुछ गरीब लोगों को, इनको फंसा लेते हैं चक्रों में। और ये दूसरे ये हैं टिकटॉकर बनने का जो शौक है अपने, आईफोन लेने के लिए मैंने अपनी आंखों से स्टूडेंट को देखा हुआ है कि हमने टिकटॉकर बनानी है, हमने ये करना है, वो घर में खुदकुशी तक की धमकियां दे देते हैं हम ये कर देंगे। मतलब ये क्या है, माशरे को क्या कर रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। और हमारे मौलवी हजरात हैं किसी पॉजिटिव वे पे जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। भाई सोशल मीडिया का मतलब ये है आप सोशल हो, इस्लामिक कंट्री हमारा, उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लेके चले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ स्टार्ट हो जाए, आप ये कर रहे हैं वो। आजकल आपने देखा होगा कोई कुछ भी खा रहा है आप दिखाते हैं। भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि अगर आप कोई अच्छी चीज खाते पीते हो आप उसको ना दिखाएं कि जिसके पास ऐसा ना हो, वो एहसास कमतरी का शिकार ही ना हो। इनको देख लें अभी ड्रेस आया नहीं है, इन्होंने अपनी प्रमोटिंग स्टार्ट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया, ये कर रहे हैं, ये साले हैं भिखारी, उनसे मांगते हैं उनसे लेते हैं ना ये लोग, और कुछ भी नहीं करते। ये लोग मांगते हैं उनसे जाकर कि हम प्रमोशन करेंगे आपकी, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम आपको ये, वो उनको भीख देते हैं, सदका उतारते हैं इनके ऊपर, और तो कुछ नहीं सर। तो रेगुलर कंजरों जो कि टिकटॉकर्स हैं, इनको आप कोई मशवरा देंगे? सर मशवरा क्या देना है इनको, नसीहत हम तो हमारी तो मेरे ख्याल से कमेंट भी करते हैं अपनी राय, अच्छे भले और भी लोग हैं जो बेचारे कह रहे होते हैं कि आप ऐसा ना करो ऐसा ना, रमजान में भी ये कह रहे थे। मशवरा यही है कि इनको अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है कि आप जाएं माशरे के लिए कोई अच्छा रोल प्ले करें। इतने मिलियंस आपके व्यूअर्स हैं, इतने मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, इतने फॉलोअर्स हैं आपके, और भाई आप अच्छी वे की तरफ क्यों नहीं जाते, अच्छा पॉजिटिव क्यों नहीं कुछ दिखाते। यही हमारी यंग जनरेशन है, इसी के माइंड में आप क्यों ये फतूर भर रहे हैं कि सारा कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है, अपना जिस्म दिखाना है, अपने घर की वीडियो दिखानी है, ये क्यों नहीं आप दिखा सकते, ये क्यों नहीं शो करा सकते कि इस्लाम भी है, इस्लाम का ये मतलब भी है, हमने ये करके दिखाना है आगे, ये क्यों नहीं करते ये लोग। मैं तो यही कहना चाहूंगा बस, पहले सपना होता था हर किसी का, मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, मगर अब हर किसी का सपना है टिकटॉकर बनना है। हर बंदा टिकटॉक के पीछे लगा हुआ है, बच्चे बूढ़े आंटियां बाबे बच्चियां, हर किसी का एक ही मिशन है टिकटॉकर बनना। तो आप इन टिकटॉकर्स के बारे में क्या कहोगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि एक तो ये मशहूर प्लेटफॉर्म है कंजर खाने का, तो इधर सिर्फ और सिर्फ बगैरतियाँ ही होती हैं और तो कुछ नहीं होता। बाकी और भी बड़े हैं इसके अंदर टिकटॉकर्स के अंदर, फिर बहुत मशहूर मशहूर आ जाते हैं जो के बहुत ही ज्यादा चवलियां मारे होते हैं और कोई कंटेंट नहीं होता और बकवास तरीन होते हैं, जिस तरह के टिकटॉक के ऊपर भी आ ही गया है वो डकी भाई जो के हम उसे कहते हैं टट्टी भाई, ठीक हो गया वो बड़ा बुरा लगता है, ठीक हो गया। और आजकल मैंने ट्रेंडिंग में मैं देख रहा था कि वो भाई साहब डकी भाई ने टिंड करवाई है, तो साथ ही एक लड़की थी वो टिकटॉक के ऊपर थी, तो वो उसको बड़े पसंद करती थी, उसने भी टिंड करवा लिया इसी बात के ऊपर ही। तो ये फिर बगैरती फैला रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बगैरती फैला रहे हैं, और ये कंजर खाना जो उनसा है ये मुझे लग रहा है ताकि आमा तक रहेगा और इसी तरह चलता रहेगा। ना इनको कोई इनकम आती है, ना इनको कोई पैसे आते हैं, ना इन्होंने कोई काम करना होता है, ना इनको शर्म आती, ना कोई हया आती, बस टिकटॉक के अंदर ही से होते हैं, ठीक हो गया, और उसी के अंदर अपना आपको सब कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंजर खाना और कंजर खाना का एक प्लेटफॉर्म है जिधर से मशहूर मशहूर निखरे हुए कंजर खान और कंजर लोग निकलते हैं। इस कंजर खाने को बंद करने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? इस कंजर खाने को बंद करने के लिए सबसे पहले तो उनके वालिदैन को, ये नहीं खत्म हो सकता कंजर खाना, नहीं मुझे लगता है खत्म हो सकता, और इसके ऊपर इकदाम यही है कि वो खुद ही समझ जाए, ना कोई हुकूमत कोई कंजर खाना खत्म कर सकती है, ये जो है ही कंजर ना तो वो नहीं ठीक हो सकते, ठीक हो गया तो ये कंजर पुनः खत्म नहीं हो सकता कभी भी। तो लड़कियां भी मुजरे कर रही हैं, बच्चे बाबे भी मुजरे कर रहे हैं, गानों पे डांस कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? नहीं ये तो वाकई बहुत गलत है कि हमारे क्या कहते हैं औरतों को ख्वातीन को लड़कियों को इस चीज़ को थोड़ा सा हया करना चाहिए कि ये ना करें इस तरह की हरकतें, क्योंकि औरत का मतलब एक पर्दा पर्दे में छुपी हुई चीज़ है, तो वो इसको मतलब को समझे, तो ये गलत ना करें। अब देखें पुराने वक्तों के अंदर बादशाह जो उनसे थे वो सोने और जेवरात उनके ऊपर क्या कहते हैं नाचने वालों के ऊपर निचावर कर देते थे, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे टिकटॉक पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लाइक फेंक दें बस बादशाहों की तरह, बस आप लाइक फेंक दें और क्या कहते हैं फॉलो कर दें और बस मिलियंस में हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाएं, बस इसी चक्कर के अंदर लगे रहते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें देखने को मिलता है और ये गलत है, और मैं यही कहूंगा कि ये कंजर खाना बंद करें। लोगों के अपने व्यूज सुने वो यही कहते हैं कि टिकटॉकर एक बहुत बड़ा कंजर खाना है और ये कंजरों का प्लेटफॉर्म, तो लड़कियों को भी शर्म आनी चाहिए, वो जो गंदे डांस करती है और सेक्स फैलाया हुआ उन्होंने, और लड़कों को भी अपनी ना पढ़ाई की फिक्र है ना बाबों को अपने घर की फिक्र है, बस उन्होंने टिकटॉकर बनना है, तो लोगों ने इस चीज को बहुत ही घटिया कहा है। तो ये था आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ हाजिर होंगे, टिल देन खुश रहें अपने खर्चे पे।